ने नाइनटीन ट्वेंटी फाइव में सोमैटो टाइपिंग का कॉन्सेप्ट दिया चली समझते हैं की सोमैटो टाइपिंग आखिर है क्या जब ह्यूमन बॉडी के शेप एंड फिजिक टाइप के बेसिस पर पर्सन के पर्सनैलिटी ट्रेड्स को एसोशिएट किया जाए उसे सोमेटोटाइपिंग कहते हैं यानी यदि वह व्यक्ति पतला होगा तो उसकी पर्सनैलिटी कैसे होगी यदि वह आदमी मोटा होगा तो किस तरीके की पर्सनैलिटी होगी वो किस तरीके का क्राइम करेगा सो अर्ज क्रैशमर ने उसी को ही रिलेट करके ये थ्योरी दी थी अर्ज क्रैशमर के अगर हम एजुकेशनल स्टडीज या एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में बात करें तो अर्ज्रश्म जर्मन टूबिंगम यूनिवर्सिटी में साइकेट्री के प्रोफेसर थे और उन्होंने ही बॉडी बिल्ड एंड पर्सनैलिटी टाइप के बीच के रिलेशनशिप को बताया जिस टाइपोलॉजी को उन्होंने एक नाम भी दिया बायोसाइकोलॉजिकल कॉन्स्टिट्यूशनल टाइपोलॉजी जिस बॉडी टाइपोलॉजी की वो बात कर रहे थे उन्होंने उसे तीन कैटेगरी में डिवाइड किया साइक्लोइड पर्सनैलिटी सिजॉइट पर्सनैलिटी और डिस्प्लास्टिक जिससे इंस्पायर होकर शेल्डन ने भी आगे अपने बॉडी टाइप को कुछ इसी तरीके से ही डिफाइन किया है और बस नाम का फर्क है बाकी पर्सनालिटी सब की सेम है तो जानते हैं कि ये तीनों पर्सनैलिटीज के बारे में क्या क्या बात कही गई है तो सबसे पहले बात करते हैं हम साइक्लोइड पर्सनैलिटी की जिन्हें साइक्लोथिम्स या फिर पिकनिक टाइप भी कहा जाता है इस तरीके की पर्सनैलिटी वाले लोगों को बहुत जल्दी जल्दी मूड स्विंग्स होते हैं यानी एक पल में गुस्सा है और दूसरे पल में खुश हो जाते हैं एक पल में नाराज है किसी से और दूसरे पल वो उसको मना लेते हैं तो इस तरीके के मूड स्विंग्स उनको होते रहते हैं इनकी बॉडी हेवी और सॉफ्ट होती है जैसा कि हमने शेल्डन की थ्योरी में पढ़ा था एंडोमोर्फ की पर्सनैलिटी को सेम उसी की तरह साइक्लाइट की पर्सनालिटी भी है। तो जनरली जो साइक्लाइट पर्सनालिटी के लोग हैं वो शॉर्ट हाइटेड होते हैं और इन्हें लोगों से मिलना जुलना बहुत पसंद होता है या फिर यूं कह दें कि हम ये बहुत ज्यादा मिलनसार प्रवृत्ति के लोग होते हैं और बहुत ही सुलझे हुए लोग होते हैं और यदि इनको कोई एकाएक काम दे दिया जाए यानी कि स्पॉन्टेनिटी इनमें बहुत मिसिंग होती है अगर इन्हें कोई एकाएक कोई काम दे दिया जाए तो वो नहीं कर सकते और क्योंकि हम इसे क्रिमिनलॉजी के अंदर पढ़ रहे हैं तो ये जानना तो बहुत ज़रूरी है कि साइकोलाइट पर्सनालिटी के लोग किस तरीके का क्राइम करते हैं तो ये ज़्यादातर नॉन वायलेंट क्राइम करते हैं जहाँ पे वायलेंस इंक्लूड नहीं होता जिसमें कि ज़्यादातर कोई खून खराबा नहीं होता तो ऐसे कौन से क्राइम हैं तो जिसमें प्रॉपर्टी क्राइम आ सकता है तो साइकलाइट पर्सनैलिटी के जो लोग हैं वो ज़्यादातर प्रॉपर्टी क्राइम कमिट करते हैं अब बात करते हैं हम दूसरी कैटेगरी की जिसे साइजॉइड्स या सीजोथाइम्स भी कहते हैं तो इनकी जो बॉडी होती है एथलेटिक या फिर मस्कुलर बॉडी होती है ये पतले भी हो सकते हैं लेकिन जनरली ये एथलेटिक या मस्कुलर बॉडी की होती है इन्हें ज्यादातर लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं है जैसा कि हमने साइक्लॉइड में पढ़ा था उन्हें मिलना जुलना बहुत पसंद है इसी के ठीक अपोजिट पर्सनैलिटी वाले लोग हैं जिन्हें लोगों से घुलना मिलना पसंद नहीं है इस तरीके के पर्सनैलिटी वाले लोग किस तरीके के ऑफेंसिस करते हैं वायलेंट ऑफेंसिस करते हैं वायलेंट ऑफेंसिस मतलब जिसमें खून खराब ज्यादा होता है इनमें क्या आ सकते हैं जैसे कि वर्डर ये साइजोइ साइ� पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से ग्रसित होते हैं अब साइजॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के जो लोग हैं उनमें किस तरीके की कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जैसे इसमें जो रोगी होता है वो ठंडे और अमित्र होने के लक्षण प्रदर्शित करता है ये लो, ये लगातार दूसरों के साथ बातचीत करने से भी कतराते हैं और सभी प्रकार की जो सामाजिक गतिविधियां हैं उससे बचते हैं तो इस तरीके के जो है साइजॉइड पर्सनैलिटी के लोग होते हैं अब हम तीसरी कैटेगरी की बात करते हैं डिस ठीक है मिक्स ग्रुप ऑफ अफेंडर है यानी कि मिक्स पर्सनैलिटी के लोग आते हैं यानी जिनकी बॉडी टाइप नहीं समझ में आ रही है या फिर जिनकी बॉडी डिसप्रोपोर्शनेट है है ना जिनका ऊपर के जो हमने दो कैटेगरीज पढ़ी है उनमें से किसी के अंदर किसी भी कैटेगरी के अंदर फॉल नहीं कर रही है जिनकी बॉडी टाइप या मालप्रपोर्शनेट बॉडी टाइप है या फिर डिस बॉडी टाइप है तो वो डिसप्लास्टिक्स के अंदर आ जाते हैं ये लोग ज्यादातर इमोशनली अनस्टेबल होते हैं बहुत ज्यादा बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हैं और अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते तो इनकी अगर हम क्राइम की बात करें कि ये किस तरीके की क्राइम करते हैं तो ये ज्यादातर सेक्सुअल ऑफेंसेस कमिट करते हैं या फिर ऐसे क्राइम कमिट करते हैं जो एकदम सडनली हो जाता है ये कोई प्री प्लान कमिट नहीं करते हैं क्राइम को जो अपने शौक के लिए या फिर कह सकते हैं जो एकदम से हो जाए सडनली जो क्राइम हो जाए ज़्यादातर डिस्प्लास्टिक पर्सनालिटी के लोग उस तरीके का ही क्राइम करते हैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को क्रैशमस पर्सनालिटी थ्योरी समझ आ गई होगी अगर आपके इससे जुड़े कोई सवाल हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं